बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एलविश यादव रविवार को गुरुग्राम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में एलविश यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करने पहुंचे, तो वहीं स्टेडियम में हजारों की संख्या में गुरुग्राम के लोग भी शामिल हुए थे। सभी लोगों ने अपने हाथ उठाकर एलविश यादव का अभिनंदन किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मंच पर जैसे ही एलविश यादव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ पहुंचे, हजारों की संख्या में गुरुग्राम के लोगों ने हाथ उठाकर एलविश यादव का अभिनंदन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एलविश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में बहुत से युवाओं ने प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन एलविश यादव ने जो कर दिखाया है, हरियाणा की उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष इंडियाज गॉट टैलेंट यानी IGT की तर्ज 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की 10 मेधावी युवा शक्ति को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने एलविश यादव और उनके परिजनों का सम्मान कर उन्हें आश्वस्त किया कि एलविश यादव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो वहीं इस वर्ष हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह में एलविश यादव को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। एलविश यादव ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि जब मैं हरियाणा आया तो मुख्यमंत्री से मिला और अपने कार्यक्रम की इच्छा जाहिर की, और आज मुख्यमंत्री जी के कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। साथ ही एलविश यादव ने अपने गांव और शहर के लोगों को भी धन्यवाद करते हुए कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और आज बिग बॉस OTT सीजन 2 का विजेता बन गया हूं। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, और एलविश जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और भगवान साथियों, ये एलविश का ये जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी। निश्चित करें, देश भर में चल रहा है इंडिया गॉट टैलेंट के आधार पर ही अब आने वाले 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान ये एक समारोह आयोजित करेंगे। इस प्रतिभा सम्मान में जितने भी हरियाणा के प्रतिभावान युवक हैं, उनमें से बेस्ट को छाना जाएगा और बेस्ट को छानने के बाद हरियाणा उसको सम्मानित करेगा। अब जब हम 1 नवंबर को शुरू करेंगे, मालूम नहीं अगले समारोह राव साहब उसमें प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ एक विशेष सम्मान हम एलविश यादव को देंगे, एक विशेष सम्मान देंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने एलविश यादव और उनके माता पिता को बिग बॉस OTT की विजेता ट्रॉफी भी भेंट कर एलविश यादव के उज्जवल भविष्य की कामना की।